पटना के गांधी मैदान में 8 साल पहले भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट कर तबाही मचाने वालों को अब इनकी सजा भुगतनी होगी। NIA कोर्ट के जज ने बुधवार को इस मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है, जबकि 1 को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाने के लिए 1 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। इस फैसले पर सभी की नजर टिकी थी। बुधवार की सुबह में पटना सिविल कोर्ट परिसर में गहमागहमी थी। 8 साल बाद गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में क्या इंसाफ होता है, यह हर कोई जानना चाहता था। इस कांड में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 89 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। बुधवार को आए फैसले से उनके परिवारों ने थोड़ी राहत महसूस की है। फैसले के लिए सुनवाई शुरू होने के पहले बुधवार की सुबह बेऊर जेल की सभी आरोपियों को कोर्ट लाया गया। इसके बाद कोर्ट में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने पाया कि इन लोगों के खिलाफ जो साक्ष्य इकट्ठा किया गया है वह उसके मुताबिक वे लोग इस घटना में कार्य किए हैं, सम्मिलित हुए हैं, तो इसलिए they have been found guilty. खबर बिहार के पश्चिम चंपारण के नवलपुर का है, जहां एक आसिक मिजाज GP मुखिया नामक शिक्षक एक परिवार में लड़की को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। जिस लड़की को शिक्षक ट्यूशन पढ़ाता था वो नाबालिग थी। शिक्षक छात्रा को एक कमरे में अकेले ट्यूशन पढ़ाता था। छात्रा के पिता ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि उसकी बेटी शिक्षक के बहकावे में आ गई, जिसका आसिक मिजाज शिक्षक ने फायदा उठा लिया। एक दिन शिक्षक उसकी बेटी को लेकर फरार हो गया। अब दोनों कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। छात्रा के पिता ने शिक्षक के अलावा उसके 3 और साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिक्षक के इस तरह की हरकत से परिवार के अलावा अन्य लोग भी हैरान हैं। क्षेत्र में यह चर्चा है कि एक शिक्षक इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। लालू प्रसाद यादव बुधवार को पूरे 6 साल बाद राजनीति के मंच पर उतरे, लेकिन इतने अरसे में भी उनका अंदाज नहीं बदला। लालू का वही पुराना अंदाज देखकर उनके समर्थक जोश में भर गए। लालू ने मंच पर आते ही CM नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। छोटे बेटे तेजस्वी की तारीफ की, कहा उसने उखाड़ दिया है, अब हम विसर्जन करने आए हैं। चारा घोटाले में जेल जाने की वजह से लालू 2019 के लोकसभा और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में शिरकत नहीं कर पाए थे। विधानसभा चुनाव में उनकी जगह उनके छोटे बेटे तेजस्वी ने पूरे तौर पर पार्टी की कमान संभाली और जदयू भाजपा विरोधी महागठबंधन के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। बीच बीच में लालू जेल से पार्टी और बेटे का मार्गदर्शन जरूर करते रहे, उनके ट्वीट भी आते रहे, लेकिन बुधवार को पहली बार खुद लालू मुंगेर में पार्टी के मंच पर उतरे। चेहरे पर उम्र का असर तो था, लेकिन अंदाज वही पुराना। कुर्ता पायजामा, गले में गमछा, माथे पर टोपी लगाए लालू मंच पर पहुंचे तो समर्थकों ने जमकर तालियां बजाई और नारे लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया। पूरे 6 साल बाद बुधवार को बिहार के राजनीतिक मैदान में उतरे लालू यादव को देखने के लिए तारापुर में भीड़ बेकाबू हो गई। उनका हेलीकॉप्टर मैदान के ऊपर मंडराता नजर आया तो नीचे लोग हेलीपैड की ओर दौड़ने लगे। भीड़ के उत्साह में बैरिकेडिंग टूट गई। सुरक्षा में तैनात जवानों को भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए पूरा समय खासी मशक्कत करनी पड़ी। तारापुर के गाजीपुर स्थित ईदगाह मैदान में लालू यादव को सुनने के लिए सुबह से ही भीड़ जुटने लगी थी। करीब 12:40 पर लालू यादव का हेलीकॉप्टर मैदान में उतरा। लालू यादव के स्टेज पर पहुंचते ही भीड़ अनियंत्रित हो गई। गाजीपुर मैदान में बनाई गई बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए भीड़ स्टेज के करीब पहुंच गई। सैकड़ों युवा स्टेज के नीचे इकट्ठे होकर लालू यादव को सुनने के लिए खड़े हो गए। लालू यादव के पूरे भाषण के दौरान युवाओं की तालियां बजती रही। जनसंख्या के आधार पर आपको
जदयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार का विसर्जन कर देने वाले लालू कुमार के बयान पर लालू यादव को खुली चुनौती दी है। ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार का विसर्जन करने वाले बिहार में क्या देश में पायदान नहीं हुआ है। बिहार में एकमात्र विकास पुरुष नीतीश कुमार है और उनके पास बिहार के जनता के समर्थन की ताकत है। ललन सिंह ने मंगलवार को ट्वीट किया कि बिहार और देश दुनिया के हर कोने में बसने वाले बिहारियों को अपमानित करवाने वाला जेल से जमानत पर निकले लालू यादव सम्मानित बिहारियों से अविलंब माफी मांगे। उधर कुशेश्वर स्थान और ग्यासपुर और अन्य चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजद पर जमकर निशाना साधा, कहा कि राजद शासन की याद अब भी लोगों की जेहन में है, उस दौर को लोग अब भी नहीं भूले हैं। ये किसी राजनेता की भाषा हो सकती है? और अगर ये राजनेता की भाषा है तो नीतीश कुमार का विसर्जन करने, तो जो जिस व्यक्ति ने 16 साल मेहनत करके बिहार के माहौल को बदला, सड़क बनवाया, बिजली बनवाया, शिक्षा आपके क्षेत्र में काम हो रहा है, तो उसका विसर्जन आप करने की बात कर रहे हैं? कौन इस धरती पर पैदा लिया है जो उसका विसर्जन करेगा जब तक तो बिहार की जनता उसके साथ है? तो ये अगाध है, हम कह रहे हैं ये अगाध है। सुबह में नवाज का आगाज होता है और उसके बाद नवाज शुरू होता है, ये उनका अगाध है। बिहार सरकार के पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू तारापुर उपचुनाव प्रचार करने के लिए जाने के दौरान परिसदन में रुके, जहां पर उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को जीतने का दावा किया। वहीं उन्होंने मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के द्वारा कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के ऊपर किए गए बयान पर कहा कि दोनों दलों को फैसला करना है, लालू जी ने जो शब्द कहे वो कौन पार्टी के लोग हैं। मंत्री ने भी दोनों पार्टियों के लिए उसी शब्द का प्रयोग किया जो लालू यादव ने कांग्रेस प्रभारी के लिए किया है। वहीं उन्होंने कहा कि लालू यादव की यह पुरानी आदत है, वह इसी तरह से बेइज्जत करते हैं। लालू जी का यह पुराना स्टाइल है कि बड़े लीडरों को बेइज्जत करना, उनको अपमानित करना, कुछ अनाप शनाप बोल देना आम लोगों को, यह उनका पुराना स्टाइल है, इस चीज से बाज नहीं आ रहे हैं। तो बाकी कांग्रेस का मैटर है, कांग्रेस फड़िया कि कौन भक्चोनर है, इधर आरजेडी वाले भक्चोनर है कि कांग्रेस वाले भक्चोनर है, पहले दोनों फड़िया ले फिर इधर बात करेंगे। तारापुर में चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने दोनों सीट पर चौंकाने वाले परिणाम की बात कही। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के द्वारा भक्त चरण दास पर किए गए आपत्तिजनक बयान पर उन्होंने कहा कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग राजनेताओं को नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग हुआ है उसके लिए लालू यादव को माफी मांगनी चाहिए। वो स्वतंत्र है के लिए उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, उनका मामला है, वो जाने न्यायालय ने क्या आदेश दिया है, क्या नहीं दिया है, स्वास्थ्य उनका कैसा है, क्या है, ये वो जाने, इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं, हर पार्टी के लोग आ रहे हैं अपने अपने, हम भी अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए की मदद में आए। पप्पू यादव का सपोर्ट मिला है, कितना लाभ मिलेगा उससे? देखिए, हमको जो सपोर्ट करेगा उसका स्वागत करेंगे,